स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए। हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मल शारदे चैनल से अनुराधा मैम। मैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। स्टूडेंट सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है आप बना लें, ठीक है, और इसका नेमिंग कर दीजिए। आप नेमिंग या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपको अच्छा लगे। सी एंड डी मैंने नाम दे दिए पैरेललोग्राम के। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट, जो एक ही लाइन पर बने हो, जो एक ही लाइन पर बने हो। और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि आपको टू एडजेसेंट एंगल को करना है जो कि इक्वल हैं, इक्वल है, इक्वल मेजर है। तो मैं यहाँ कह दूँ ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इक्वल में हम यही कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, लेट द एंगल ऑफ डी एंड सी इक्वल टू एक्स। आप एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल दिया है ना, तो जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपने इतनी बात लिख दी। आपको पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लें एंगल एक्स, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू आपने क्या दी, एक्स। सी की वैल्यू आपने क्या दी, क्योंकि इक्वल है तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यहाँ पर हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री का साइन अवश्य लगाएं। x बराबर क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आपका ये x हो गया। तो आपका देखो एंगल d आपका क्या है, 90 डिग्री, ठीक। एंगल c आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। तो आप देखिए d के इक्वल क्या है आपका, b। एंगल d इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपन को पता है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ पैरेललोग्राम। इसी तरह से एंगल c इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री अभी हमने निकाला था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये x है तो ये भी x है, और x की वैल्यू हमने क्या दी, 90। तो ये भी आपका 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये भी 90 हो गया। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, जो आपको फिगर दिखाई दे रही है वो होप है, इसका नाम एच ओ पी ई। ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड। एक्स का मेजरमेंट आपको देखना है, जेड का मेजरमेंट आपको देखना है, और सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई और यहाँ पर जेड है। इसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। तो स्टूडेंट देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको याद है सभी को, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी हुई 70, यानी कि z प्लस अगर मैं y कर दूँ तो इक्वल टू 70 डिग्री हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको सभी को पता होगा, जब हम इस तरह का ट्राइंगल पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर जो अगर एंगल बना हुआ है, मान लो ये 70 दिया हुआ है, तो यहाँ ये कितना कि ये 40 है, तो ये कितना होगा, तो आपको पता है कि इसको x मानकर अगर हम कर दें 40 प्लस एक्स इक्वल टू 70 डिग्री, और रीजन दे दें एक्सटीरियर एंगल, तो आप क्या कह देंगे, x इक्वल टू 30 डिग्री कह दोगे, नहीं कहोगे ना। इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन करना है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये गिवन फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। सॉल्यूशन में लिखते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एच ओ पी ई इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं स्टूडेंट, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे एच ओ
पैरेलल है किसके, ईपी के। अगर आपने ये बात कह दी कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल भी होगी। जब पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल भी निश्चित रूप से, तो पैरेलल है। और आप क्या कहोगे, एच पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं आप एंगल 40, जो कि यहाँ पर देखो आप नाम दे सकते हो एंगल को। यहाँ पर अगर आप ए बी सी डी से नाम दोगे तो टफ पड़ेगा, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 और इसको 4 दे दो। 1, 2, 3 एंड 4 हमने यहाँ पर नाम दे दिए। इजी होता है स्टूडेंट, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल 3। स्टूडेंट अगर मैं नाम लिखती हूँ तो बहुत दिक्कत आ जाती है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी बात को लिख सकती हूँ, एंगल 1 की वैल्यू आपको गिवन है 40 और y की वैल्यू कितनी है आपकी, y एंगल 3 की वैल्यू क्या है, y, तो y इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। या जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेंगे वो इक्वल होंगे। ये बात होगी। अब देखिए वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 40 डिग्री। कितना हो गया, वाई इक्वल टू 40 डिग्री। तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड एंगल जेड निकालना है आपको, एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू, मैं एंगल भी डाल देती हूँ जेड और वाई की वैल्यू है ना, जेड प्लस वाई सिर्फ लिख सकते हो, जेड प्लस वाई इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों लिखूँगी स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल रही हूँ मैं, एक्सटीरियर एंगल, एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। जेड की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट वाई की वैल्यू तो अभी आपने निकाली ना, 40, ठीक है स्टूडेंट, 40 इक्वल टू 70 डिग्री। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, 70 माइनस 40, जेड इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। स्टूडेंट दूसरा आंसर आ गया। अब आपका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर, एंगल इसका नाम दे दीजिए 5, इसका नाम आपने क्या दिया 5 के इक्वल क्या जाएगा आपका, अभी हमारा एंगल 5 नहीं आया स्टूडेंट, अब हमें एंगल 5 लाना है। एंगल 5 लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर। और आप चाहें लीनियर पेयर का अगर आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते सकते हैं, ट्रायंगल में जेड प्लस वाई प्लस, यहाँ पर एंगल 5 दे सकती हूँ मैं, दे सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 + 3 + 5 मैं लिख सकती हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो 70 का यूज़ करके भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, इजीली हो जाएगा। और आप चाहे तो ऐसे, आपके पास दो तरीके, आप कैसे करें, एंगल 2 में आपका z है प्लस एंगल 3 में आपका y है प्लस एंगल 5 आपको पता नहीं है इक्वल टू 180 डिग्री आप लिखते हैं। यहाँ क्यों लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल। और हमें देखिए ना यहाँ पर दो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर z की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 30 डिग्री, y की वैल्यू हमने 40 निकाली है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास 30, y की वैल्यू 40 प्लस एंगल 5 मैं ऐसे दे देती हूँ, या एंगल वो भी लिख सकते हो आपकी इच्छा है, आप क्या लिखना चाहें, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो कितना हो गया, इन दोनों का ऐड किया 70 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 110 डिग्री। अगर एंगल 5 हमारा 70 है तो हम कह सकते हैं एंगल 5, स्टूडेंट थोड़ी जगह की वजह से मेरा तिरछा जा रहा है,
मैं सोचती हूँ कि आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, आप सीखने पे फोकस करेंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल x, आप x देंगे। क्यों है x? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल 5 की वैल्यू क्या है? एंगल 5 इक्वल टू x इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ लास्ट में एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल z की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही? 30 डिग्री, और आपकी x की वैल्यू कितनी होगी? 110 डिग्री। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।